हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब अगली खबर बिहार के भागलपुर से, जहां नदी में नाव पलटने के बाद कई लोग लापता हैं। नाव में करीब 125 लोग सवार थे। यह हादसा नवगछिया में हुआ है। नाव पलटने के बाद लापता लोगों की अभी भी तलाश जारी है। 5 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन भागलपुर के एक व्यक्ति की मौत की बात कही जा रही है। 15 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन करीब 100 लोग अभी भी लापता हैं। 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, 100 लोग अभी भी लापता हैं। भागलपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है नाव पलटने से। 125 लोग इस नाव पर सवार थे। प्रशासन के ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं जब इस तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है कि कोई चेक क्यों नहीं है। नाव में इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे सवार हो जाते हैं? क्या नाव वाले के पास लाइसेंस था या नहीं था, या वो चोरी छिपे ये काम कर रहा था लोगों को नदी पार कराने का? अब इतने लोग लापता हैं, 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, उसके बाद आप लकीर पीटते रहिए, लेकिन ये तस्वीरें दिल दुखा देने वाली। पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। भागलपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। 5 लोगों की मृत्यु की खबर, और मृत्यु की खबर 5 लोगों की इसलिए क्योंकि 5 के शव बरामद हो गए, लेकिन 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। 8:30 बजे के लमसम में ये लोग कहाँ जा रहा था? ये लोग दीरा जा रहा था मकई लगाने के लिए। कुछ उस पर क्या उसमें किसान थे या मजदूर थे? किसान मजदूर सब थे। सब कहाँ के थे? सब ये टिंटंगा करारी का ही थे। अच्छा अच्छा, उस पार में है खेती। हाँ, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग वहां पर एकत्रित हो गए हैं घाट पर, और जिस तरीके से नदी पार कराने के लिए ये लोग 125 लोग एक नाव में सवार थे। नवगछिया का ये पूरा मामला है। नवगछिया में ये नाव पलटी है, और डीएम साहब का क्या कहना है वो सुनना बहुत जरूरी हो जाता है, उनको सुन लेते हैं। घाट पर ही नाव को आगे नदी में धक्का देते समय नाव के डूबने की सूचना मिली है। इसमें 7 लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इस घटना में अभी तक एक व्यक्ति के एसडीआरएफ की टुकड़ी तैनात है, और एसडीआरएफ के गोताखोरों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति मिसिंग है और डूबा हुआ है तो उसको निकालने के लिए एसडीआरएफ के लोग लगातार। अब तक सर कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? 9 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। कितने लोग सवार होंगे अंदर? 40-50 लोग। ग्रामीण के द्वारा कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई 40 बता रहे हैं, कोई 50 बता रहे हैं, कोई 60 बता रहे हैं। मोटा मोटी माना जा सकता है करीब 50 व्यक्ति सवार। हमें जो सूचना मिल रही है उसमें 5 लोगों की मृत्यु की खबर है, लेकिन डीएम साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई है।